तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास फायरबोल्ट की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग सा स्मार्ट वॉच है जिसका नाम है दोस्तों फायरबोल्ट ऑल न्यू ब्लिजार्ड। इसे गाइज मैंने परचेज कर लिया था फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल में 3000 रुपए में। और दोस्तों एक दिन हो गए इसे यूज करते करते, बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और गाइस टेस्टिंग के साथ रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप इस बॉक्स को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कॉन्टेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी और गाइस यहां पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं। 120 स्पोर्ट्स मोड मेटल बॉडी, यहां पे भी दोस्तों इन्होंने कुछ की हाईलाइट दे रखे हैं जैसे SPO2 मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर और दोस्तों स्टेप्स काउंट। बैक साइड में भी दोस्तों इन्होंने कुछ की हाईलाइट दे रखे हैं, सारे वीडियो में कवर करूंगा। बॉक्स के अंदर आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड मिल जाएगा, एक यूजर मैनुअल दे रखा है और दोस्तों कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान भी इन्होंने दे रखे हैं। मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है पोगो पिन कनेक्टर के साथ। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी बढ़िया लगी है। लेंथ भी इन्होंने काफी ठीक ठाक दे रखी तो वॉच को चार्ज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टूल देखने को मिलता है, इससे दोस्तों आप अपने स्ट्रैप का साइज छोटा बड़ा कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसके बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये डिजाइन मुझे काफी तगड़ा लगा है। और गाइस बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों डायल इन्होंने फुली स्टेनलेस स्टील से बनाया है। इसमें जो बटन्स दे रखे हैं वो तीनों इन्होंने मेटल से बनाए हैं। ऊपर वाले बटन से दोस्तों आप अपने स्क्रीन को ऑन ऑफ कर पाएंगे और दोस्तों नीचे वाले बटन से भी आप अपने स्क्रीन को ऑन ऑफ कर पाएंगे। इसमें जो क्राउन दे रखा है वो आपको फंक्शनल देखने को मिलता है तो दोस्तों यहां से आप अपने वॉच पीसेस वगैरह चेंज कर पाएंगे। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे इन्होंने ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक यूज किया, सारे सेंसर चार्जिंग पिन्स। इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा और गाइस यहां पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों फुली स्टेनलेस स्टील से बनाए हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों पर्सनली इसका डिस्प्ले मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। 1.28 इंचेस का राउंड IPS TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है 240x240 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों डिस्प्ले में कलर्स वगैरह आपको अच्छे से दिखाई देते हैं और दोस्तों डिस्प्ले की शार्पनेस भी मुझे काफी ठीक ठाक लगी है। अभी गाइस इसे मैं आउटडोर में लेके खड़ा हूं, यहां पे थोड़ी थोड़ी धूप हो रही है बट दोस्तों इसके डिस्प्ले में मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसे आउटडोर में या धूप में यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको साइड लेने की जरूरत पड़ जाएगी। ये वाला वॉच फेस मैंने इसलिए लगा लिया है जिससे आपको इसके डिस्प्ले पे बेजल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसे मैंने आउटडोर और इंडोर में कॉलिंग के लिए यूज करा था और दोस्तों ड्राइव करते भी मैं ऐसे कॉलिंग के लिए यूज करता। इसका स्पीकर दोस्तों काफी ज्यादा लाउड है और दोस्तों माइक्रोफोन भी काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो दोस्तों कॉलिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक रियल टाइम टेस्ट करके भी दिखा देता हूं कॉलिंग का, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन और स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर आप इसे कॉलिंग पर्पस से ले रहे हो तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अपने फ्रेंड से कॉल लगाते देखते वो क्या बोल रहा है। स्पीकर देखा कितना लाउड है भाई। हेलो हेलो, हाँ क्या कर रहे हो अभी, आप बिजी तो नहीं हो? नहीं बताओ। यार मेरे पास एक फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच है, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ। तो ये बताओ इसके माइक्रोफोन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन काफी क्लियर वॉइस है आपकी। क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं दूर से बात कर रहा हूँ। नहीं नॉर्मल है। नॉर्मल है, चलो ठीक है, थैंक यू। कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देता है जहां से आप अपने कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर पाएंगे। रिसीव करने के बाद आपको म्यूट करने का फीचर मिलेगा, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों यहां पे कॉल को ट्रांसफर करने का फीचर नहीं मिलता और गाइज आपको डिस्कनेक्ट करने का फीचर मिल जाएगा। वॉच की कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों द फिट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों इस ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया और अपनी वॉच को कनेक्ट भी कर लिया है। ऐप की UI की बात तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो में ये वाला ऐप मैं कवर कर चुका हूं तो दोस्तों वहां से जाके आप इसकी UI भी चेकआउट कर पाएंगे। वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी UI और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों UI स्मूथ है, यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डिस्प्ले पे थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे तो गाइज यहां से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फीसेस आप चेंज कर पाएंगे और गाइज ऐप में भी जाके आप इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फीसेस चेंज कर पाएंगे। यहां पर आपको पूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको फोटो वगैरह लगानी है अपनी तो दोस्तों एडिट वाले ऑप्शन में जाके आप अपनी फोटो वगैरह
भी लगा पाएंगे। राइट टू लेफ्ट स्वैप करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट कार्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको एआई वॉइस असिस्टेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको रिसेंट कॉल डायलापैड कॉन्टेक्ट साइन करने का फीचर मिलता है। डायलापैड दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे दोस्तों एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, हार्ट रेट मॉनिटर, वेदर अपडेट ले पाएंगे और दोस्तों कल का क्या टेम्परेचर रहने वाला वो इधर से आप चेकआउट कर पाएंगे। कैमरा शटर, यहाँ से दोस्तों म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप अपने सॉन्ग को नेक्स्ट प्रीवियस प्ले पॉज कर पाएंगे और गाइस वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ब्रीथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर देखने को मिल जा रहा है और दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर देखने को मिलेगा। स्वैप डाउन करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिलता है, बैटरी स्टेटस और दोस्तों टाइम इधर से आप चेकआउट कर पाएंगे। बैटरी शेवर देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों कनेक्टिविटी के लिए मिल जाता है टॉर्च और दोस्तों वॉच को साइलेंट करने का फीचर मिल जाएगा। ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह देखने को मिलता है। तो दोस्तों सेटिंग को आगे चेकआउट कर लेंगे, यहाँ से दोस्तों वेदर अपडेट भी ले पाएंगे। स्वैप अप करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट स्वैप करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिलता है। मेन्यू में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलेगा, स्टेप्स काउंट, स्लीप मॉनिटर, ट्रेनिंग में आया तो दोस्तों यहाँ पे आपको 120 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर और दोस्तों वेदर अपडेट ले पाएंगे। कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, म्यूजिक कंट्रोल, ब्रीथ का भी ऑप्शन दे रखा है, गेम्स। अगर आप गेम्स में आए तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो गेम्स देखने को मिलते हैं, यंग वर्ल्ड 2048। यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलते हैं और सेटिंग, सेटिंग को दोस्तों चेकआउट कर लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले आपको गेम्स, स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, फोन कॉल्स को डायरेक्टली ऑन ऑफ कर पाएंगे, कॉल रीसेट, मेन्यू व्यू। अगर आप मेन्यू व्यू में जा रहे तो दोस्तों दो तरीके से आप अपने मेन्यू को चेंज कर पाएंगे, ग्रिड में और लिस्ट में। ब्राइटनेस एडजस्ट करने का फीचर मिलता है, वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर पाएंगे, थिएटर मोड देखने को मिलता है, रीसेट, पावर ऑफ, अबाउट, ऐप QR कोड मिल जाएगा। ये थे वॉच के फीचर और UI दोस्तों मुझे काफी बटर स्मूथ लगा, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन गाइज प्राइस के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है एक फीचर इन्होंने मिस कर रखा है, वो है कैलकुलेटर। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑलमोस्ट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच आपको कॉलिंग के लिए 2 दिन का ही बैटरी बैकअप देते हैं, ये भी आपको लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। और गाइस अगर आप इसे विदाउट कॉलिंग यूज करें तो दोस्तों वहां पे आपको 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप ये वॉच अप्रॉक्स आपको देने वाली है। ये वॉच आपको IP67 रेटेड मिल जाती है, तो दोस्तों फुली वॉशेबल है, इसे पहन के आप हैंड वॉश कर लो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे और गाइस साबर वगैरह में भी यूज कर पाओगे। स्विमिंग करते टाइम अगर आप इसे यूज करना चाहे तो दोस्तों वहां के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। रही बात इसके सेंसर की एक्यूरेसी की, तो दोस्तों हर एक वीडियो में ये बात मैं आप सभी को बोलता हूं, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो दोस्तों इन सब वॉच के सेंसर पे आपको बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस होते हैं। इसके सेंसर सिर्फ आप आइडिया लेने के लिए यूज किया करो, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको कोई मेडिकल इक्विपमेंट ही यूज करना है। तब भी दोस्तों मैं अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ इसके सेंसर की रीडिंग आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके सेंसर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों मेरी वॉच में 73 बीट्स पर मिनट दिख रहा है और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 78 हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रीडिंग मुझे देखने को मिल रहे थे। SPO2 मॉनिटर भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, मेरी वॉच में 98% अभी दिखा रहा है मेरे ब्लड में ऑक्सीजन और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 99 दिख रहा है। सरफेस पे रख के इसके सेंसर को चेकआउट किया तो दोस्तों यहाँ पे भी इसने रीडिंग शो कर दिए, तो आप लोग समझ सकते हो इन सब वॉच के जो सेंसर होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको प्रोफेशनली यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। वॉच का इन हैंड लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है, अगर आप इसे फॉर्मल के साथ यूज कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे काफी तगड़ा लुक देने वाली है ये वॉच। और गाइज वेट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा है, अगर आप इसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको दिक्कत वगैरह आ सकती है। लेकिन गाइज इसमें जो बेकअप एंड राइज वाला फीचर है वो काफी अच्छे से वर्क करता है, बहुत जल्दी से आपका डिस्प्ले बेक हो जाता है। अब बात आती है 3000 रुपए के प्राइस पॉइंट में इसे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये वॉच मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगी। अगर आपका बजट 3000 रुपए और दोस्तों लग्जरी स्मार्ट वॉच अगर आप कोई लेना चाह रहे हो तो दोस्तों इसे आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। यही था फायरबोल्ट ऑल न्यू ब्लिजार्ड स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, जय हिंद।